हेलो गाइस, दिस इज़ अथर्व बायती फ्रॉम xcard.com। आज हम आपके लिए एक नया टेम्पलेट लेकर आए जो आपको अपनी कंपनी का एक सेल्स फोरकास्ट बनाने में मदद करेगा। तो क्या आप लोग भी अपनी कंपनी का एक सेल्स फोरकास्ट बनाना चाहते हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि किस तरह बनाएं? तो चिंता मत कीजिए, हमने आप लोगों के लिए एक टेम्पलेट बनाया है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये टेम्पलेट किस तरह काम करता है। सबसे पहले 3 ईयर सेल्स फोरकास्ट शीट में आइए। यहाँ बहुत सारे टेबल्स दिए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इन टेबल्स में आपको किस तरह से डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले यूनिट सोल्ड टेबल। इस यूनिट सोल्ड टेबल में आपको अपने हर एक प्रोडक्ट का आप कितना यूनिट्स एक्सपेक्ट करते हो कि आप सेल करोगे, उस चीज़ का डिटेल एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि Jan 21 में हम प्रोडक्ट ए के 500 यूनिट बेचेंगे, प्रोडक्ट बी के 1500 यूनिट, प्रोडक्ट सी के 150 यूनिट। सिमिलरली Feb 21 में प्रोडक्ट ए के 525 यूनिट, बी के 1000 यूनिट और सी के 200 यूनिट। इसी तरह सारा डेटा आपको आगे फिल करना है। नेक्स्ट, यूनिट प्राइस टेबल। इस यूनिट प्राइस टेबल में आपको अपने प्रोडक्ट की सेल प्राइस एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल, हमें ये एक्सपेक्टेड है कि हम प्रोडक्ट ए को $19.99 में सेल करेंगे, प्रोडक्ट बी को $14.99 में सेल करेंगे और प्रोडक्ट सी को $49.99 में सेल करेंगे। अगला टेबल है सेल्स ग्रोथ रेट टेबल। ये टेबल आपको ये बताएगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से ग्रो कर रहा है। इस टेबल के सभी फिगर्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट ए में Jan 21 से Feb 21 में 5% का ग्रोथ है, प्रोडक्ट बी में -33% का ग्रोथ है और प्रोडक्ट सी में 33% का ग्रोथ है। अगला है आपका रेवेन्यू टेबल। इस टेबल के भी सारे फिगर्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे। रेवेन्यू टेबल आपको अपने प्रोडक्ट्स का सारा रेवेन्यू एस्टिमेट करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, हम ये एस्टिमेट करते हैं कि प्रोडक्ट ए से हमें $9,000 आएंगे, प्रोडक्ट बी से $22,000 और प्रोडक्ट सी से $7,500। नेक्स्ट है आपका यूनिट COGS। अब यूनिट COGS में आपको वो प्राइस एंटर करनी है जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको उतना खर्चा लगेगा एक प्रोडक्ट को सेल करने में। फॉर एग्जांपल, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्रोडक्ट ए सेल करने के लिए $4.50 का खर्चा होगा, प्रोडक्ट बी सेल करने के लिए $3.10 का खर्चा होगा और प्रोडक्ट सी सेल करने के लिए $1.55 का खर्चा होगा। इसी तरह आगे की भी डिटेल्स आपको फिल करनी है। नेक्स्ट, मार्जिन पर यूनिट टेबल। ये टेबल के भी सारे फिगर्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे। मार्जिन पर यूनिट मतलब आपका एक प्रोडक्ट के एक यूनिट के पीछे कितना मार्जिन है, ये आपको कैलकुलेट करके देना। जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट ए में हमारा $15.49 का मार्जिन है, प्रोडक्ट बी में $11.89 का मार्जिन है और प्रोडक्ट सी में $48.44 का मार्जिन है। अगला है ग्रॉस प्रॉफिट टेबल। इस टेबल के भी सारे फिगर्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट टेबल आपको ये बताएगा कि आप हर प्रोडक्ट के पीछे कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हो। जैसे कि प्रोडक्ट ए से हम $7,700 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रोडक्ट बी से $17,000 का प्रॉफिट और प्रोडक्ट सी से $7,200 का प्रॉफिट। तो ये टेबल्स आपको मंथली व्यू दिखाएंगे। आपको इन्हें मंथली से ईयरली में शिफ्ट करने के लिए सिंपली ये माइनस बटन को क्लिक करने होंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें एक समराइज ईयरली व्यू दिख रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि हम ईयर वन में प्रोडक्ट ए के 6,700 यूनिट्स बेचेंगे, ईयर टू में 7,500 यूनिट्स और ईयर थ्री में 8,800 यूनिट्स। एवरेज प्राइस होगी $19.9, एवरेज ग्रोथ रेट होगा 2%, टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट ए से $1,35,000 का, एवरेज COGS हमारा प्रोडक्ट ए का होगा $4.38, एवरेज मार्जिन प्रोडक्ट ए के लिए होगा $15.62 और ग्रॉस प्रॉफिट प्रोडक्ट ए के लिए ईयर वन में होगा $1,05,000। तो अब इसके बाद हम आएंगे चार्ट्स वाली शीट। चार्ट्स वाली शीट आपको अपने सेल्स फोरकास्ट को एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाकर देगा। इससे आपको अपने फोरकास्ट का एक बेटर पिक्चर मिलेगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेम्पलेट पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट www.xcard.com को भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। और अगर आपको हमसे कोई और टेम्पलेट भी चाहिए तो प्लीज़
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मैं अथर्व बायती आप सबको अलविदा कहता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।